जैसे मनुष्य ने सोचना और सीखना शुरू किया, तभी से उसने कुदरत को सीखने की कोशिश की है। हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति और हमारा अस्तित्व हमेशा से ही एक पहेली और एक चर्चा का विषय रहा है। प्राचीन काल से ही मनुष्य ने सुदूर ब्रह्मांड में खगोलीय पिंड और खगोलीय घटनाओं के बारे में अनुमान लगाना शुरू कर दिया था। मनुष्य की यही जिज्ञासा एक कारण है कि हम अब तक ब्रह्मांड के बारे में 1% जानकारी तो जुटा ही चुके हैं। जी हाँ, मैंने कहा केवल 1%। आज भी हम ये बात नहीं जानते कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। हर चीज का एक अंतिम छोर होता है, पर हमारे ब्रह्मांड का कोई अंत नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड हमारे लिए अंतहीन है। हमारे ब्रह्मांड में ग्रह हैं, तारे हैं, गैलेक्सीज हैं, पर सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। सन 1929 में एडविन हवल पहले इंसान थे जिन्होंने ऑब्जर्व किया कि हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है, और उसके बाद से ही हमारे विज्ञान और हमारी तकनीक में काफी सुधार हुए हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे ब्रह्मांड का निर्माण आज से 13.8 अरब साल पहले हुआ था। आज हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है, और इसका एक अर्थ ये भी है कि एक समय ऐसा भी था जब ब्रह्मांड का सारा मास एक जगह पर ही एकत्रित हुआ होगा। ब्रह्मांड के अस्तित्व को लेकर सबसे ज्यादा विश्वसनीय थ्योरी बिग बैंग थ्योरी है। ऐसा माना जाता है कि बिग बैंग से पहले ना ग्रह थे, ना तारे थे, ना ही गैलेक्सी थे, और ना ही समय था। ब्रह्मांड में जो भी चीजें फैली हुई थी, वे सब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक ही जगह पर एकत्रित होना शुरू हो गईं। धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण बल भी प्रबल होता गया और ब्रह्मांड का सारा मास एक मटर के दाने के आकार तक कंप्रेस हो गया। इस पिंड का टेम्परेचर कई बिलियन डिग्रीज रहा होगा, और इसी कारण इसमें अस्थिरता भी आई होगी, और जिसका परिणाम एक बड़ा विस्फोट यानी कि बिग बैंग था। ऐसा माना जाता है कि बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड में केवल हाइड्रोजन और हीलियम गैस ही थी। हीलियम और हाइड्रोजन एटम के जुड़ने की वजह से ब्रह्मांड का पहला मॉलिक्यूल बना, जिसे हीलियम हाइड्राइड का नाम दिया गया। इस पहले मॉलिक्यूल की वजह से बाकी बचे एटम्स भी नए मॉलिक्यूल्स बनाने लगे। धीरे धीरे शुरुआती ब्रह्मांड ठंडा होने लगा और आकार लेने लगा। कई अरब साल बीतने के बाद ब्रह्मांड भी बदलता रहा। ब्रह्मांड में तारों का जन्म हुआ और कई तारों की मृत्यु भी हुई। प्लैनेट्स बने, गैलेक्सी बनी, और जीवन की शुरुआत भी हुई। पर किसे मालूम था कि ब्रह्मांड एक दिन एक अनसुलझा रहस्य बनकर रह जाएगा। वैज्ञानिक ऐसा मानते थे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति में हीलियम हाइड्राइड का ही योगदान है, पर किसी भी वैज्ञानिक को आज तक ब्रह्मांड में हीलियम हाइड्राइड होने के सबूत नहीं मिले थे। वैज्ञानिकों के लिए स्पेस में हीलियम हाइड्राइड को ढूंढना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अगर वे धरती से हीलियम हाइड्राइड का पता लगाने की कोशिश करते तो धरती का एटमॉस्फेयर उनके लिए बाधा उत्पन्न करता, और अगर वे स्पेस में सैटेलाइट भेजते तो इंस्ट्रूमेंट और टेक्निक को मॉडिफाई करना भी संभव नहीं हो पाता। इसीलिए वैज्ञानिकों ने सोफिया का सहारा लिया। सोफिया यानी कि स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी। यह नासा और जर्मन एरोस्पेस सेंटर का एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के लिए एक बोइंग 747 को एक ऑब्जर्वेटरी में बदल दिया गया है। इसके टेल पार्ट में एक इंफ्रारेड बेस्ड टेलीस्कोप भी लगाया गया है। सोफिया को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जब यह एरोप्लेन जमीन से 12 किलोमीटर यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में हो, तब यह टेलीस्कोप प्लेन में मॉडिफाइड दरवाजों से स्पेस को ऑब्जर्व कर सके। सोफिया के दो फायदे हैं। धरती के एटमॉस्फेयर में मौजूद वाटर वेपर्स इंफ्रारेड्स को एब्जॉर्ब करती हैं, पर सोफिया इनसे कहीं ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ता है, इसीलिए इंफ्रारेड्स को ये ज्यादा बेहतर तरीके से ऑब्जर्व कर सकता है। और इसका दूसरा फायदा ये है, प्लेन के धरती पर लौटने के बाद इसमें अपग्रेड्स भी किए जा सकते हैं, जो कि सैटेलाइट के स्पेस में जाने के बाद पॉसिबल नहीं है।
अब बात करते हैं सोफिया की मदद से इतने बड़े ब्रह्मांड में हीलियम हाइड्राइड को आखिर कैसे ढूंढा गया। वैज्ञानिक ये मानते थे कि हीलियम हाइड्राइड वहीं मिल सकता है जहां तारों का जन्म होता हो, और ऐसा तो ब्रह्मांड के किसी नेब्यूला में ही हो सकता है। नेब्यूला दरअसल एक गैस का बादल होता है जो कि मरे हुए तारे के अवशेषों से बनता है। इस प्रोजेक्ट से जुड़े वैज्ञानिकों ने हमारी ही गैलेक्सी में मौजूद एक प्लेनेटरी नेबुला NGC 7027 को स्टडी किया। यह नेबुला हमारी पृथ्वी से 3000 प्रकाश वर्ष दूर साइग्नस नक्षत्र में मौजूद है। सोफिया में लगे इंफ्रारेड टेलीस्कोप ने नेबुला में हीलियम हाइड्राइड के मॉलिक्यूल को खोज निकाला। नेबुला में हीलियम हाइड्राइड का मिलना ये सबूत है कि हीलियम हाइड्राइड ही वो पहला मॉलिक्यूल है जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। क्या आप जानते हैं कि सोफिया की मदद से ही 2016 में मार्स के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के होने का पता चला था। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में साइंस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।